हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सबका मादनी शो के नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्यांशी। ये मादनी शो का भारत टॉकी सेगमेंट है, जहां हम भारत के रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, वहां के दिग्गजों की बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे तमिल डायरेक्टर शंकर शनमुगम उर्फ एस शंकर की, जिन्हें अक्सर केवल शंकर कहकर पुकारा जाता है। तमिल सिनेमा के कद्दावर निर्देशक रहे शंकर भारत के हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स में से एक हैं। कमर्शियल सिनेमा में सोशल इश्यूज का तड़का लगाते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं कि दर्शक सिनेमाघरों पर टूट पड़े हर बार। कामयाबी का आलम यह कि 1993 में रिलीज अपनी पहली फिल्म जेंटलमैन से लेकर 2018 में आई टू तक उनकी एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई। हर बार एक नियम की तरह उनकी फिल्में सफल होती रहीं। आज इन्हीं शंकर के बारे में जानेंगे, जो करने कुछ और आए थे, किया कुछ और। इससे पहले हम उनके क्राफ्ट के बारे में बातें शुरू करें, पहले कुछ नॉस्टैल्जिया जी लेते हैं। अगर आप 90s में बड़े हुए हैं तो आगे बताए जा रहे कुछ गानों के विजुअल्स अपने आप आपकी नज़रों के सामने तैरने लगेंगे। मुकाबला मुकाबला लैला, गाना याद है? याद ही होगा, अभी हाल ही में इसका रिमिक्स भी आया था। ये गाना शंकर की फिल्म का ही था, वह जिसमें माइकल जैक्सन जैसा डांसर होता है, दो काउबॉय शूट करते हैं और उसका सिर, कलाइयां, टखने अदृश्य हो जाते हैं, वह फिर भी नाचता रहता है। कितना अद्भुत दृश्य लगता था उस जमाने में, जब VFX की दुनिया से हमारा परिचय नहीं हुआ था। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ बालम, ये गाना उनकी पहली फिल्म में था, आज भी याद है। एक यंग लड़के ने इसमें म्यूजिक दिया था, नाम था AR रहमान, आगे चलकर जिसे म्यूजिक की दुनिया का इक्का बनना था। इसके बाद शंकर की अगली करीब सभी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। टेलीफोन धुन में हंसने वाली को भूल सकते हैं, जो कमल हसन और मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया था, जिसके हिंदी लिरिक्स बेहद अजीब थे लेकिन फिर भी बहुत पसंद आते थे। उर्वशी उर्वशी टेक इट ईजी उर्वशी और पट्टी रैप, ये दो पागलपन भरे गाने कैसे भूलेंगे। इनमें प्रभु देवा और वदी वेलु की चपलता और शरारती बच्चों जैसी अद्भुत डांस को आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है, विशुद्ध जादू था। और फिर वो अजूबा सॉन्ग, ऐश्वर्या राय स्टारर जीन्स के इस गाने में शंकर ने दुनिया के 7 अजूबे दिखाए। सिर्फ एक गाने के लिए इतना खर्चा किया और हमें वो गाना वैसे ही याद है जैसे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है शंकर, ग्रैंड स्टाइलिश विराट, महज एक गाने भर को भव्य दिव्य बनाने में जान लगा देने वाले। यही भव्यता उनकी फिल्मों में भी झलकती है। लेकिन क्या शंकर हमेशा से ऐसा ही सिनेमा बनाना चाहते थे? नहीं, अति यथार्थवादी सिनेमा की चाह। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके शंकर आए तो थे अति यथार्थवादी फिल्में बनाने के लिए, ऐसी फिल्में जिनमें ना कोई सुपरस्टार हो, ना 100 करोड़ का बजट, ना टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल, ना 5-5 भव्य विराट गाने। उन्हें वैसी फिल्में बनानी थीं जैसे उनके फेवरेट तमिल निर्देशक जे महेंद्रन और अन्य बनाते थे, हल्की फुल्की, रोमांटिक, भारी ड्रामा वाली, मामूली मसलों वाली। जैसे 1978 में प्रदर्शित मुल्लुम मरलुम, इसमें रजनीकांत ने काली की केंद्रीय भूमिका निभाई थी। काली बचपन में अनाथ हो जाता है, अपनी बहन वाली और खुद को बचपन से संभालता है, बड़ा होकर गांव के बिजली संयंत्र में काम करने लगता है, लापरवाह है, नियम से नहीं चलता, झगड़ा करता है, दिल का अच्छा भी है। संयंत्र में फिर नया सुपरवाइजर कुमारन आता है, एक घटना के बाद वह काली को निलंबित कर देता है। अब काली दारू में धुत रहने लगता है, एक बार सड़क पर पड़ा होता है कि लॉरी हाथ कुचल जाती है, हाथ काटना पड़ता है। अब वो घर पर पड़ा रहता है, अपनी स्थिति का जिम्मेदार कुमारन को मानता है। उसी कुमारन से फिर उसकी बहन प्यार करने लगती है लेकिन काली सख्त खिलाफ है। अंत में भावुक स्थितियां बनती जाती हैं। इसके एक साल बाद प्रदर्शित हुई महेंद्रन की यादगार ड्रामा उदिरी पुक्कल भी शंकर को पसंद थी। शंकर ऐसी ही फिल्में बनाना चाहते थे। असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरुआत, 25 साल के थे तब तमिल फिल्मों में आए, शुरुआत सबसे निचले स्तर से की। निर्देशक SA चंद्रशेखर के फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। 1988 से लेकर अगले 5 साल तक शंकर ने उन्हें असिस्ट किया। 1990 में आई तमिल फिल्म सीथा में तो उन्होंने छोटा कॉमेडी रोल भी किया, वे विलेन के लल्लू से साइड किक बने थे। इसी दौरान 3 हिंदी फिल्मों जय शिव शंकर, आजाद देश के गुलाम, इंसाफ की देवी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इन फिल्मों में जितेंद्र, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, रेखा और डिम्पल कपाड़िया जैसे एक्टर्स ने काम किया था।
1993 में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाने से पहले शंकर ने गंभीर विषय वाली एक महिला केंद्रित फिल्म लिखी। पूरे कठोर सिनेमाई अंदाज में वे इसे कहना चाहते थे। वे कई निर्माताओं से मिले लेकिन कोई उनकी इस कहानी में पैसा लगाने को राजी ना था। साउथ का पूरा जोर उस दौर में मारधाड़ और खून खराबे पर था। इसी दौर में इंतजार करने और चलन को देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और फिर एक्शन फिल्म की ही ओर हो लिए। हालांकि उनकी नायक अपरिचित और हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में समाज की भलाई का जुनून रखने वाले नायक यदि हैं और लोगों की समस्याएं दिखती हैं तो यथार्थ परकता के लिए उसी पुराने आंशिक से मोह के कारण। एक बार शुरुआत करने के बाद शंकर लोकप्रियता और कमर्शियल मानकों में उत्तरोत्तर ऊंचे उठते गए। उनका साउथ में वैसा ही कल्ट रहा जैसा रजनीकांत का है। तकरीबन 27 साल हो गए हैं उन्हें काम करते हुए और इन वर्षों में कोई 13 फिल्मों का निर्देशन किया है, 9 का निर्माण किया है। उन 13 में से 10 फिल्में हिंदी में हमने देखी हैं और संबंधित समयों के एक एक बच्चे को याद होगी। उनकी हर कहानी छोटे से आइडिया से आगे बढ़ती है और बहुत सारी मिलावट से प्रभावित करने वाला सिनेमा बन जाती है। हम हिंदी में आई उनकी 10 फिल्मों पर नज़र डाल सकते हैं। पहली है द जेंटलमैन। द जेंटलमैन कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की जो धनवानों के यहाँ चोरियाँ करता है ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा सके। कुछ कुछ देसी रॉबिनहुड जैसा कैरेक्टर। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, साउथ के 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। फिल्म के हिंदी वर्जन में चिरंजीवी, जूही चावला और परेश रावल ने काम किया था। हमसे है मुकाबला प्रभु नाम के युवक की कहानी है जिसे राज्यपाल की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो साधारण परिवार से है। उसे अपना प्यार भी जीतना है और राज्य में होने जा रही बड़ी आतंकी वारदात को भी रोकना है। फिल्म में प्रभु देवा और नगमा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट रहे थे। हिंदुस्तानी 70 साल के बुजुर्ग सेनापति की कहानी है। वो घोर ईमानदार है और अपने राज्य में रिश्वतखोरों को एक एक करके मारना शुरू करता है, लाइव टीवी पर भी। वो आज़ाद हिंद फौज में रहा है और देश की आज़ादी के लिए लड़ा है। उसकी बेटी अस्पताल में इसलिए मर गई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। अब उसका बेटा भी थोड़ी बहुत रिश्वत लेता है और वो उसे भी मारेगा। हिंदुस्तानी में कमल हासन ने डबल रोल किया था जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उनके साथ मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर भी थी। जीन्स शंकर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। अमेरिका में बसा एक तमिल रेस्टोरेंट व्यापारी है जिसके 2 जुड़वा बेटे हैं। दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक ही लड़की मधुमिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बाद में एक भाई रास्ते से हट जाता है तो पिता शादी से इनकार कर देता है क्योंकि पिता भी जुड़वा था और शादी के बाद उसका परिवार बिखरा था। फिल्म में प्रशांत और ऐश्वर्या राय की मुख्य भूमिकाएं थीं। जीन्स बजट के हिसाब से उस वक्त तक बनी सबसे महंगी इंडियन फिल्म थी। नायक, उनकी 5वीं फिल्म नायक एक ईमानदार पत्रकार शिवाजी राव की कहानी है जो राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेता है और एक एक सवाल में उसके घोटाले उजागर कर देता है। फंसा मुख्यमंत्री उसे चैलेंज करता है कि कहना बड़ा आसान है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर देखे फिर पता चलेगा। शिवाजी इस शर्त को मानकर एक दिन का सीएम बनता है। फिल्म में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी प्रमुख रोल में थे। अपरिचित, उनकी अगली फिल्म अपरिचित कहानी है अंबी की जो उपभोक्ता हितों का वकील है। बेहद आदर्शवादी है, चाहता है सब कानून का पालन करें। अपने आसपास भ्रष्टाचार को देख उसमें बहुत गुस्सा भर जाता है और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वह भ्रष्टाचारियों की सूची बनाता है, उन्हें हिंदू धर्म की पुस्तक गरुड़ पुराण में वर्णित यंत्रणाएं देकर मारना शुरू करता है। लीड रोल विक्रम ने किया था। फिल्म साउथ में जबरदस्त हिट रही थी। 7वीं प्रस्तुति शिवाजी द बॉस। इसी नाम वाले नायक की कहानी है जो अमेरिका से अपने राज्य लौटा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई व इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता है लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता ऐसा नहीं करने दे रहा। अब शिवाजी अपने तरीके से उसका सामना करता है। फिल्म में रजनीकांत, श्रिया शरण और रघुवरन की मुख्य भूमिकाएं थी। फिर नंबर आता है रोबोट का। रोबोट में एक वैज्ञानिक अपनी ही शक्ल वाला एंड्रॉयड रोबोट बनाता है लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशन और समझने की शक्ति विकसित कर लेता है। साथ ही उस वैज्ञानिक की प्रेमिका के प्रेम में भी पड़ जाता है। बाद में वो इंसानों के विनाश पर उतर आता है। रोबोट कई मायनों में गेम चेंजर फिल्म थी। भारत में ऐसी तकनीकी रूप से समृद्ध फिल्म पहले नहीं देखी गई थी। ऐसी फिल्मों के लिए दर्शक पूरी तरह हॉलीवुड पर निर्भर रहते थे। इंडिया में भी ऐसी फिल्म बनी देखकर दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। आई,
रोबोट के बाद शंकर की अगली फिल्म थी आई, एक बॉडी बिल्डर लिंगेसन की कहानी, जो टॉप मॉडल बनता है लेकिन फिर उसका शरीर विकृत होने लगता है। वो कुबड़ा हो जाता है, अपनी प्रेमिका और लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि दुश्मनों ने धोखे से इंजेक्शन लगाकर उसे ऐसा कर दिया है, तो वो एक एक करके सबको मानना शुरू करता है। एक्टर विक्रम को इस रोल के लिए तारीफें और अवार्ड दोनों मिले। टू, उनकी पिछली फिल्म थी रोबोट का सीक्वल टू। इस बार वैज्ञानिक और उसके रोबोट चिट्टी का सामना पक्षी राजन से था। पक्षी राजन, जिसे मोबाइल फोन से घृणा है। टू में मेन विलन का रोल अक्षय कुमार ने किया था। ये अब तक की सबसे महंगी इंडियन फिल्म है। इसका बजट 570 करोड़ रुपए था। शंकर के निर्देशन में सिर्फ बॉयज ही ऐसी तमिल फिल्म रही है जो हिंदी में नहीं लगी। एक अन्य फिल्म ननबन थी, जो थ्री इडियट्स की तमिल रीमेक थी। एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं। रिकॉर्ड रूप से शंकर की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। किसी ने वितरक को, निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते हैं। आज से 10 बरस पहले वे एक फिल्म डायरेक्ट करने के इतने करोड़ लेते थे जितने तब शाहरुख सलमान भी नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में टेक्नोलॉजी का निरंतर बढ़ता इस्तेमाल किया। उन्होंने गानों की भव्यता में कभी कमी नहीं आने दी। बैकग्राउंड डांसर सदा बढ़ते ही रहे। इंग्लिश भाषा, अमेरिका में पढ़ा नायक, अमेरिका में बसा नायक, अमेरिका से पढ़कर गांव की सेवा करने लौटा नायक, विदेशी चेहरों की गानों में मौजूदगी, इन सब का चाव भी उनसे छूटा नहीं। दरअसल ये एक ट्रिक भी है, क्योंकि कम जागरूक और अमीरी की संकरी रेखा से बहुत दूर खड़े दर्शकों के मन में गोरी चमड़ी की बड़ी लालसा है। विदेश संपन्नता और स्थानीय समाज में सम्मान का विषय भी ठहरा। शंकर इसे भुनाते हैं। यही वजह है कि अपनी फिल्म आई के ऑडियो लॉन्च पर सितंबर 2014 में उन्होंने अनरोल्ड श्वार्ज़नेगर को बुलाया। ये हॉलीवुड एक्शन हीरो इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म के किसी लॉन्च का हिस्सा नहीं रहा है। जाहिर है इससे शंकर और इस फिल्म का कद तमिलनाडु और साउथ के अन्य उद्योगों में बहुत बढ़ गया। अनरोल ने आई के प्रचार के लिए इंटरव्यू भी दिया। जाहिर सी बात है, उन्होंने इसके अच्छे खासे पैसे लिए थे। शंकर की फिल्मों में एक और खास संपत्ति होती है, सुपरस्टार और सौंदर्यपूर्ण अभिनेत्रियां। ऐसे चेहरे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच स्वीकार्यता हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता के मामले में महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा है। कमल हसन, प्रभु देवा, अर्जुन सरजा, मधु, मनीषा कोयराला, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, रजनीकांत, विक्रम उनकी फिल्मों में रहे हैं। वे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। रोबोट की कहानी उन्होंने शाहरुख को सुनाई, लेकिन बात नहीं बनी। जैसे कि रोबोट की सीक्वल 2 के लिए आमिर से बात नहीं बनी थी, क्योंकि शाहरुख, आमिर, शंकर अपने आप में कमर्शियल सफलता के संस्थान हैं और ये सदा अपने सारे रचनात्मक कार्य के संपूर्ण अधिकार अपने पास रखने की स्थिति में ही समय और ऊर्जा लगाते हैं। रोबोट में अमिताभ बच्चन को उन्होंने विलन का रोल पेश किया था, लेकिन बच्चन ने मना कर दिया क्योंकि उनकी पिछली ग्रे शेड्स वाली फिल्में नहीं चली थी। दर्शक और रचयिता शंकर। फिल्म बनाने के दौरान शंकर का फंडा स्पष्ट है। वे खुद को दर्शक और रचयिता, इन दो इंसानों में पार्ट लेते हैं, जो कि ज्यादातर सफल कमर्शियल फिल्म टेक्नीशियन करते हैं। जब उनके अंदर का दर्शक संबंधित दृश्य या रचनात्मक निर्णय से पूरी तरह खुश और संतुष्ट होता है, तभी उनके अंदर का फिल्म टेक्नीशियन उसे ओके करता है। यानी कला और गंभीर विमर्श बैकसीट पर होते हैं। महिला केंद्रित सार्थक कहानी के एक स्क्रिप्ट लेकर निर्माताओं के पास घूमने वाला शंकर अब पूरी तरह अतीत में विलीन हो चुका है। अब उसके पास भी ऐसी स्क्रिप्ट लेकर कोई युवा आता है, तो यदि परियोजना में वित्त वसूल ना रहा हो तो वो भी मना कर देते हैं। वे भी कितने ही शंकरों को अपने द्वार से लौटा रहे होते हैं और उनके सामने एक ही विकल्प छोड़ रहे होते हैं कि वे सब दूसरे दरवाजे से आएं और दैत्यकार मनोरंजन वाली फिल्मों का उत्पादन करें। ऐसी फिल्में तत्कालीन बार दर्शकों के बचपन का नॉस्टैल्जिया बन जाती हैं। किशोर वह लड़के लड़कियों की फैंटसी बन जाती हैं, लेकिन व्यसक होने पर अपने आसपास जो समस्याएं उन्हें दिखती हैं, उनका समाधान शंकर के विजिलांटे नायक और उनका स्ट्रीट जस्टिस कभी नहीं कर पाते हैं। भारत टॉकीज के इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी ने लिखी है। अगले एपिसोड में हम किसी अन्य भाषा पर बात करेंगे। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार।